हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे जो क्वेश्चंस थे वो किए थे, प्लस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स अपने पास कंप्लीट किया था। तो अभी तक इस चैप्टर में हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स हमारे पास कंप्लीट हुआ है। तो कुल मिला के हमने वो वाली इक्वेशंस करी है अभी तक, जिनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो हमने इंक्रीज किया है लेकिन इक्वेशन का पावर जो है वो अभी भी वन ही है। इक्वेशन का पावर अभी भी वन ही है, यानी इक्वेशन लीनियर है, एक 2D प्लेन पे वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। पहले हमने सिंगल वेरिएबल पे किया, फिर दो वेरिएबल पे किया साइमल्टेनियस, और फिर तीन वेरिएबल पे किया जहां पे हमने तीन इक्वेशन के साथ इक्वेशन को सॉल्व किया। बट अभी तक हमने इक्वेशन का पावर इंक्रीज नहीं किया। अब जो हमारे पास पार्ट बचा है इस पूरे चैप्टर में, इक्वेशन वाले चैप्टर में, वो लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन हमने कंप्लीट किया। अब हम लीनियर इक्वेशन से आगे बढ़ रहे, हम इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 तक ले जाएंगे, तो वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वेरिएबल हमारे पास अभी एक ही रहेगा, यानी इक्वेशन इन वन वेरिएबल बट कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्यूबिक इक्वेशन, जहां पे हाईएस्ट पावर इक्वेशन का 3 हो जाएगा। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके प्रॉब्लम्स, प्लस क्यूबिक इक्वेशन, उस पे प्रॉब्लम्स नहीं है, उस पे जस्ट क्वेश्चंस है, वो हमें भी करना है। तो मेरे हिसाब से 2 और क्लासेस लगेंगी और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो एक और चीज है, आज का चैप्टर मतलब आज का जो लेक्चर होगा प्लस कल का लेक्चर, ये आपके लिए इस चैप्टर का सबसे जरूरी पार्ट है, मैं ये भी कहूँगा सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी है और सबसे जरूरी पार्ट भी है। और इस चैप्टर की जो कवरेज है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से ही आने हैं, क्वाड्रेटिक से या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, ठीक है, प्लस क्यूबिक से का क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी का जो पार्ट है वो थोड़ा सा टेक्निकल भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं और आज अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 एक्सरसाइजेस करेंगे और कॉन्सेप्चुअली उसको समझेंगे, ठीक है। आइए अपने पास शुरू करते हैं, ठीक है। पहले जो हमने पढ़ा था उसका एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था इक्वेशन इज स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स इक्वालिटी, याद होगा आपको। उसमें तो हमने कहा था कि इक्वेशन में हमारे पास एक वेरिएबल हो सकता है, दो वेरिएबल हो सकते हैं, तीन वेरिएबल हो सकते हैं। फिर हमने कहा था कि इक्वेशन में हमारे पास जो हाइएस्ट पावर होगा वो होता है ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, ये भी याद होगा। मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डिटरमाइन करता है इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे या सॉल्यूशंस होंगे। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये सब आप पिछले लेक्चर्स में डिटेल में देख सकते हैं, या कितने जीरोस होंगे। जीरोस मैंने क्यों कहा था इक्वेशन को कहते हैं, ये सिग्निफिकेंट पार्ट है जो आज हम यूज करेंगे। बिकॉज अगर हम सब चीजों को एक तरफ ले आएंगे तो हमारे पास RHS में क्या बचेगा, 0। तो हम बेसिकली आपसे वो वैल्यू मांगते हैं जिसको पुट करने से पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ इक्वेशन, रूट को 0 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें आज ज्यादा यूज करनी है, जीरोस वाला पार्ट, पर है होता है वो रूट या सोल्यूशन ही। कि अगर हम इक्वेशन की सारी चीजों को एक तरफ ले आए और एक तरफ हमारे पास 0 बचता है तो हम क्या वैल्यू पुट करें कि इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास 0 होंगी। इसके अलावा हमने सीखा था कि इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर या पावर का क्या मतलब होता है, कि वेरिएबल के साथ जो हाइएस्ट इंडेक्स हो उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ इक्वेशन। तो जितना हाईएस्ट पावर होगा उतने नंबर ऑफ जीरो से नंबर ऑफ रूट्स होंगे। इसलिए हमने कहा था कि लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास थी इन वन वेरिएबल, उसका हमने कहा था एक रूट होगा लीनियर। इसलिए अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो हमें आज पढ़नी है, उसके हमारे पास 2 रूट्स होंगे क्योंकि उसका पावर 2 है, ठीक है, ठीक है। आइए हम यहां से बिल्डअप करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। जो मैंने अभी कहा मैं इससे बिल्डअप करता हूँ, ठीक है। मैं जैसे नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते हैं जर्नल फॉर्म रूट्स, मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले मैं यहाँ पे आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्डअप करना चाहता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेनेसिस क्या है, मैंने आपसे ये कहा कि अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर या लीनियर, उसका रूट कितने हैं, नंबर ऑफ रूट्स 1। तो मैं अगर कहूं मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उसमें x की वैल्यू किसके बराबर होगी, a के बराबर,
तो ये मेरे पास दिस इज माई, ठीक है, रूट, बिकॉज फाइनली मुझे एक्स का ही वैल्यू निकालना है, रूट है। तो क्या इससे मैं लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं? मैंने कुछ सिखाया हुआ ये चीज पिछले लेक्चर्स में, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जीरोस ऑफ इक्वेशन। यानी अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू ढूंढूं यहां पे x की कि मैं इस पूरे साइड में डालूं, तो मेरा ये पूरा साइड जीरो होना चाहिए। तो ये निकला कहां से? यही से। एक एग्जांपल से देख लेते हैं इस चीज को। अगर मैं आपसे बोलूं 3x minus 5 is equal to 0, ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप बोलेंगे x is equal to 5 by 3, और ये 5 by 3 का मतलब क्या है? 5 by 3 का मतलब है अगर मैं x की वैल्यू 5 by 3 डालूं यहां पे, तो मेरा RHS जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं 5 by 3 is the zero of the equation, zero बोले, root बोले, solution बोले, ठीक है। और तो ये, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये कहां से आई है? इसका जेनेसिस इसी से आई है, x is equal to 5 upon 3 से ही ये इक्वेशन आई। मैंने ये सिखाया हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पर्पस के लिए। कैसे आई है एक बार हम करके देख सकते हैं। हाँ, 3x is equal to 5 और 3x minus 5 is equal to 0। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इक्वेशन से सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। मैं सॉल्यूशन से इक्वेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरे पास x is equal to 5 upon 3 है, तो इसके जरिए मैं इस इक्वेशन तक पहुंच पाया, जिसको मैं फर्दर इक्वेशन को फर्दर डिफिकल्ट बना सकता हूं। मैं इसको फर्दर डिफिकल्ट बना सकता हूं। सपोज मैं आप दोनों साइड रूट ले लूं, तो मैं कह सकता हूं रूट 3x minus 5 is equal to 0, ठीक है। तो बात एक ही, मैं इसी इक्वेशन को आगे ले रहा हूं, दोनों साइड लॉग ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, बट फाइनली इसका जेनेसिस है x is equal to 5 by 3, ठीक है, पॉइंट टेकन। तो अब अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास एक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स है, ये देखिए कि इक्वेशन का जन्म कहां से होता है, जिसके दो रूट्स है। मैंने क्या कहा पहले, दो रूट्स या दो जीरोस या दो सॉल्यूशंस। तो वो दो सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं? पहला x इज इक्वल टू ए और दूसरा x इज इक्वल टू बी। बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके दो रूट्स है, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन मेरे पास है जिसके दो सॉल्यूशंस है, तो क्या मैं इन सॉल्यूशंस को क्लब करके इक्वेशन बना सकता हूं? अगर मैं यहां से इक्वेशन तक पहुंच गया, तो मेरे लिए इक्वेशन से रूट तक पहुंचना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास इक्वेशन का ही दो सॉल्यूशन होने चाहिए, तो मैं ये भी बोल रहा हूं कि x माइनस ए इज इक्वल जीरो, दैट मींस x इज द रूट ऑफ, x इज द जीरो ऑफ इक्वेशन x माइनस ए इज इक्वल जीरो। अंडरस्टूड, पढ़ाया हुआ लीनियर इक्वेशन बहुत बार ये चीज। और यहां से मैं ये बोलना चाहता हूं कि x माइनस बी इज इक्वल जीरो। सो इसका मतलब है बेसिकली कि x माइनस ए बराबर जीरो के है और x माइनस बी भी बराबर है जीरो के। अगर हम अलग अलग देखें तो x माइनस ए बराबर है जीरो के, x माइनस बी बराबर है जीरो के। पर इसका नेसेसरली ये मतलब नहीं है, इसका नेसेसरली ये मतलब नहीं है मेरे पास, क्या मतलब नहीं है कि इसका नेसेसरली ये मतलब नहीं है कि a जीरो के बराबर है। इसका ये मतलब है कि x माइनस ए जीरो के बराबर, x माइनस बी जीरो के बराबर है। ये मेरे पास एक इक्वेशन हो गई, ये मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन दो इक्वेशंस को ठीक है, मैं इन दो इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करूं। यहां पे मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं, जो कि बाद में समझ आएगा, ले रहा हूं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। मैंने कहा दो रूट्स है, दीज आर टू अनइक्वल रूट्स, ठीक है, ये एक रूट है, ये एक अलग रूट है, अनइक्वल रूट्स है। बाद में नंबर्स लेके करेंगे तो ज्यादा बेटर रहना चाहिए, लेकिन मेरे पर्पस कुछ और है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जन्म कहां से होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। फिर भी अगर आप ऐसे समझे तो इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं लिखूं 2x plus 3x plus 5 is equal to 0, 2x minus 3x is equal to 4, 2x is equal to 8, 2x is equal to 0 and so on, ये सारी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? क्योंकि जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 2 है, हर जगह 2 है, ठीक है। सिंगल पावर भी है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, यहाँ पे 2 है, सिंगल पावर है, 2 पावर है, 2 पावर है। खैर ये तो अंडरस्टूड चीज है, बट मैं पॉइंट पे वापस आता हूं कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन जिसके दो रूट्स है, तो यानी कोई रूट्स है, तो
तो इसका मतलब x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस b इज इक्वल जीरो, ठीक है, ये रूट्स है मेरे। अब अगर मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरे पास आएगा, x माइनस a x माइनस बी इज इक्वल जीरो। मैंने LHS दोनों को मल्टीप्लाई किया, RHS दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैं पहले दिन समझा चुका हूं, equations are like two scales of a weighing balance, तो मैं दोनों साइड सेम ऑपरेशन कर सकता हूं। अब यहां से आप देखेंगे बहुत ध्यान से, यही से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ये मैं जो लिखा समझने की कोशिश कीजिए इसको। अगर मैं बोल रहा हूं a into b is equal to zero, what does this imply? This implies either a और b must be zero. अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई दो क्वांटिटीज है, उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इधर a और b दोनों में से कोई एक तो जीरो होना ही होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं लेकिन दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे a का मतलब क्या है, x माइनस a और x माइनस b, मैं पहले कह रहा हूँ x माइनस a जीरो के बराबर है, x माइनस b जीरो के बराबर, बिकॉज मेरे पास रूट से x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये क्या मेरे पास हो गया x इंटू x एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है, हो गया x से मल्टीप्लीकेशन, ये आपको आता है सिखाया हुआ। अब a से करते हैं माइनस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आगे चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, यही आएगा मेरे पास, ठीक है, और प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। और अगर यहां पे आप इस चीज को समझ गए तो आपने सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लिया। अब आप देखिए क्या हुआ बेसिकली, कि अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है जिसके दो रूट्स है ए और बी, तो उससे जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस ये ए और बी क्या है, रूट्स, सम ऑफ रूट्स, जो मेरे पास रूट्स है उनका सम इनटू एक्स, और ए भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास जो इक्वेशन फाइनली बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन है कहीं दी हुई है तो ये किससे बनी होगी, मेरे दो रूट से बनी होगी, एक्स माइनस बी से। और अगर मैं इक्वेशन से उल्टा यहां तक पहुंच पाया, ऐसी फॉर्म तक पहुंच पाया, दिस फॉर्म, तो इसका मतलब मेरे पास सॉल्यूशन उस इक्वेशन का आ गया, ठीक है, आप इस चीज को समझ गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो, और रूट्स मेरे इसके सॉल्यूशन है। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन में जो मेरे पास इक्वेशन आई है यहां पे, इसमें x की वैल्यू या a या b पुट करो, ठीक है, तो दोनों केस में मेरा ये जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट आप बहुत गौर से समझेंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, दो रूट से x माइनस फर्स्ट रूट x माइनस सेकंड रूट इज इक्वल, ठीक है, जीरो। तो ये मेरे पास जनरल फॉर्म क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्रोडक्ट रूट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आगे हम जर्नल फॉर्म पढ़ेंगे, बट फॉर्मेशन ये है, ठीक है, ये समझ लिया आपने, और होना भी यही चाहिए। लेट अस प्रिज्यूम, लेट अस, देयर इज अ इक्वेशन जिसका रूट है 3 और 4, ठीक है, तो अब मुझे बताइए इक्वेशन कैसे बनेगी। आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस इंटू रूट्स इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस वन, दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसमें 3 और 4 की वैल्यू पुट करूं, 3 या 4, तो मेरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा, 3 पे भी हो जाएगी और 4 पे भी हो जाएगी। एक बार करके देख लेते हैं, ये है सम ऑफ रूट्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, करके देखिए एक बार, ट्राई करें। अगर मैं इसमें 3 डालूं पहले, ये हो गया 9,
which is already equal to zero. Now वो 21 हो गए. अब अगर 4 डाल के देखूं 16, 28, देखिए तो मेरे पास जीरो हो गया. और ये आया कहां से 3 और 4? इससे. अब मेरा पॉइंट है मुझे यहां से इस यहां तक पहुंचना है. उसके क्या मेथड थे हम आगे पढ़ेंगे. तो ये मेरे पास पहला स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती कहां से है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती कहां से? ठीक है, तो मेरे आपने ये चीज समझ ली होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेनेसिस क्या होता है. अब दूसरा पॉइंट है हाउ, आपको पता है ये कि मेरे पास सॉल्यूशन आती कहां से? हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन. अभी हमने उल्टा किया, हमने क्या किया कि हम इक्वेशन, हम सॉल्यूशन से इक्वेशन तक पहुंचे. कि हमने देखा कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो वो बनी कहां से? उसके रूट से बनी है. लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन है तो क्या हम इक्वेशन से उसके रूट तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे. ये हमारा पॉइंट है. ठीक है, तो अब आप अपने पास गौर से देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास चार मेथड्स है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के. पहले को हम बोलते हैं फैक्टोराइजेशन, जो कि आपकी सिंपलेस्ट मेथड है, लेकिन हर बार यूज नहीं कर सकते. कभी आपके पास ट्रिकी फैक्टर्स आते हैं, वहां पे यूज नहीं कर सकते. दूसरा हमारे पास है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तीसरा हमारे पास है फॉर्मूला, जो हम अराइव करेंगे. चौथा हमारे पास आजकल नया चला है मिड पॉइंट मेथड. आजकल मतलब ये नया एस्टेब्लिश हुआ है, और ये मैंने एक बार क्लास में डिस्कस किया हुआ है पीछे. जब अगर मेरी लेक्चर देखी होंगी, मैंने एक बार डिस्कस किया हुआ है. मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज इट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, और टाइम मैं की बचत के लिए इसको डिस्कस नहीं करूंगा. आप सीखना चाहते हैं नेट में डाल दीजिए फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मिड पॉइंट मेथड, वहां से सीख सकते हैं. या मैंने लेक्चर में एक बार करवाया हुआ है, जब मैं सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बता रहा था, वहां पे वो प्रॉब्लम टैकल करने के लिए सिखाया हुआ है. ठीक है, और वैसे भी करिकुलम पर्पस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, ये तीन की रिक्वायरमेंट है तो मैं तीनों आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है, सबसे पहले क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, जो सिंपलेस्ट है, बट ये और शायद आप लोगों ने 10th में भी करा होगा. ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन लेता हूं, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन लेता हूं. ठीक है, ये आ गया हूं अपने पास. तीनों तरीके से इक्वेशन था. इक्वेशन है मेरे पास x square minus 5x plus 6 is equal to 0. ठीक है, अब यहां पे दो चीजों पे ध्यान देंगे. मैंने x के सामने कोफिशिएंट नहीं लगाया है अभी. ठीक है, यहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये जस्ट सीखने के लिए, आगे कोफिशिएंट लेके करेंगे. अभी जस्ट ये सीखने के लिए है. और जो मैंने एस्टेब्लिश किया है, अगर मैंने अपने पहला इक्वेशन गौर से, मैंने इक्वेशन क्या बनाई थी, x minus a, x minus b, तो अगर आप ध्यान देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई x square बनेगा, बीच में कोई टर्म आएगी, और इन दोनों का प्लस ए भी बनेगा. ठीक है, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. तो यही चीज को आप यहां ले जाइए. मैंने भी x के सामने इसलिए कुछ नहीं रखा, बिकॉज जब मैंने मल्टीप्लाई भी किया, मैंने x into x, x square ही किया, इसी फॉर्म में है. अब आप बताइए, अगर मुझे इसको वापस उसी फॉर्म में लेना है, यानी कि इक्वेशन की फॉर्म है, मुझे यहां से वापस यहां पहुंचना है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? लॉजिकली सोचिए. लॉजिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे तरीके हैं आजकल, जो क्रैमिंग वाले तरीके हैं, बहुत दुनिया भर के आपको नेट पे मिल जाएंगे. लेकिन एक बार आप उसको लॉजिकली परसीव कीजिए. कैसे परसीव कीजिए? आप वापस मेरे साथ अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे आइए. अपने देखो कोई चीज कहां से बनती है, ये बनी कहां से? ये आ गया मेरे पास, ये यहां से बनी, कि मेरे पास किसी इक्वेशन के दो रूट थे और वहां से मैं यहां तक पहुंचा. ठीक है, तो ऐसे जो इक्वेशन आपके सामने अभी है, जिसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बोला गया है, लाइक दिस इक्वेशन, हमें पढ़ रहे फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी इसी तरह किसी दो रूट से बनी होगी. तो एक रूट ए होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, एक रूट बी होगा. ठीक है, ए बी मतलब रूट के हिसाब से ए और बी, एक्स और वाई बोल सकते हैं, जेड और कुछ बोल सकते हैं. तो वो दो रूट का जब मैंने एक्स माइनस ए किया होगा, एक्स माइनस बी किया होगा, तो मैं यहां तक आया होऊंगा. तो अब मुझे वापस इसी रूट पे आना है. तो अब अगर आप गौर से देखें, मैंने क्या कहा, ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है. ठीक है, प्रोडक्ट है. अब अगर आप लॉजिकली भी देखें, लॉजिकली देखने की कोशिश करें, तो आप देखिए जब ये मल्टीप्लीकेशन होता है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन जब होता है,
तो यहाँ x है तो ये x x square बनाता है, ये x भी x बनाता है, ये a x बनाता है। तो जो कॉन्स्टेंट है ये कहां से आता है? ये आता है कॉन्स्टेंट्स के मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। जब दो कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तभी मेरे पास कॉन्स्टेंट आता है। तो इसका मतलब ये जो 6 आया होगा ये किस किन्हीं दो कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लीकेशन से आया होगा, ठीक है। मैंने कोई दो कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया होगा तो 6 आया होगा। अब आप देखिए यहाँ पे 6 किस किस से आएगा, 1 into 2 से आएगा, 6 into 1 से आएगा और 2 into 3 से आएगा, ठीक है। यहां तक वही चीज समझ गए। तो इसीलिए हम बोलते हैं, ये आपने बचपन से, इसलिए हम बोलते हैं कि आप मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो, ऐसे स्प्लिट करो कि उसका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आ जाए। याद हो आपने हमने बहुत बार बोला होगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप देखें जो कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लाई है वही तो कॉन्स्टेंट बनाता है। तो इसका मतलब मैंने पहले ही बोला कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूं कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन है उनका, उन दो टर्म्स का, वो इसके इक्विवेलेंट हो जाए तो मेरा काम बन गया। क्यों बन गया? बिकॉज अब मुझे ऑलरेडी पता है कि मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स और लास्ट टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसका मतलब है अगर मैंने इनको स्प्लिट कर लिया तो सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है। अपने स्प्लिट में देख लिया, अगर मैं 1 और 6 लूं तो इसका मेरे पास, अगर मैं देखूं इसका मेरे पास मल्टीप्लाई तो 6 आ रहा है, लेकिन अब अगर मैं इनका सम देखूं तो इसका सम मेरे पास 7 आ रहा है, ठीक है। इसका सम मेरे पास 7 आ रहा है, इसका सम मेरे पास 7 आ रहा है, तो मैं 1 को यहां पे नहीं ले सकता, ठीक है। अब सपोज आप बोले मैं -1 और क्या 6 ले सकता हूं, बिकॉज़ -6 और 1 ले सकता हूं, बिकॉज़ -6 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। लेकिन इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, -6 और 1 का मल्टीप्लाई क्या आएगा? अगर आप गौर से देखिए तो -6 आएगा, बट मुझे यहां पर +6 है। तो मेरे लिए जो बचता है फाइनली, वो बचता है -2 और -3, बिकॉज दोनों का सम क्या है मेरे पास 5 और मल्टीप्लाई मेरे पास 6 हो जाएगा। तो मैं वापस उसी अप्रोच जहां से मैंने स्टार्ट किया, तो क्या बनेगा, x² - 2x - 3x + 6 = 0, ठीक है। गौर से देखिए, मैंने इसको ऐसे स्प्लिट किया कि मेरे पास ये स्प्लिट हो गया, दो टर्म्स हो गई और मल्टीप्लाई 6 के इक्विवेलेंट आ गया। इससे क्या होगा, मैं वापस अपना फैक्टराइजेशन कर सकता हूं, x कॉमन लिया, x - 2, यहां भी x - 2 ही कॉमन लेना, और बाहर मेरा आ गया -3 - 3 x = -3x - 2 = +6। तो ये x - 2 x - 3 = 0। अगर आपको कुछ याद आया होगा तो पहली क्वेश्चन में मैं ऐसे ही आगे पहुंचा था। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब जब x - 2 x - 3 0 के बराबर है तो इसका मतलब इधर x - 2 = 0 और x - 3 = 0, दोनों में से एक तो 0 के बराबर होना चाहिए। तो दोनों में से एक 0 के बराबर हो जाएगा तभी तो ये पूरी टर्म 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इधर x = 2 और x = 3, इसका मतलब दो सॉल्यूशन है 2 और 3। अगर मैं x को 2 डालू तब भी ये 0 हो जाएगा पूरा, 3 डालू तब भी 0 हो जाएगा पूरा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जहां पे हम इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर मतलब वो टर्म जो उसको पूरी तरह से डिवाइड करे, उसको x माइनस टू भी डिवाइड करेगी, x माइनस थ्री भी अपने पास पूरा डिवाइड करेगी। क्यूबिक इक्वेशन में डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल सिखाऊंगा, वहां पे मेरा एक पर्पस होगा, वो वहां देखेंगे। बट एक्चुअली अगर डिवीजन भी करना चाहे तो x माइनस टू से अगर इसको डिवाइड करे पूरा तो इसको होल डिवाइड करेगा। x माइनस थ्री मेरा रिमाइंडर, या आप बोलेंगे उसका जो जो डिविडेंड है वो आ जाएगा, ठीक है। फाइन, यहां तक हमने सीख लिया। बट अभी आप एक चीज ध्यान में रखिए कि मैंने x के आगे कोई टर्म नहीं रखी है, वो ऑन द पर्पस नहीं रखी है, आगे जाके रखूंगा यहाँ पे टर्म और फिर हम फॉर्मूला की तरफ वापस आएंगे, ठीक है। ये अंडरस्टूड है? तो मेरा पर्पस क्या है कि मैं मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करूं कि मेरा सम ऑफ रूट्स हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाए, बिकॉज लॉजिक वही था, हमने शुरू वही से किया था, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप देखिए मेरे पास ध्यान से, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो क्या है, इक्वेशन मेरे पास है x², सेम इक्वेशन को ले रहा हूं, ठीक है, हम यहां पे आ गए। अब मैं आपसे बोलूं, आप कोई एक मेथड सीख लीजिएगा, कोई ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है एग्जाम पर्पस के लिए।
मैं आपसे बोलूं x square is equal to 4, या ऐसे छोड़ दीजिए x square minus 4 is equal to 0, क्या आप इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट एनी ज्यादा एफर्ट? देखिए आप लिखेंगे x square is equal to 4, x is equal to plus minus 2, ठीक है root 4. अब ये आपने कैसे सॉल्व कर लिया विदाउट कोई ज्यादा हिंड्रेंस, क्योंकि यहां पे जो x की पावर थी होल स्क्वायर में थी और आपने x को सिंपली कॉन्स्टेंट के ऊपर रूट लिया, तो इस टर्म में डिफरेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंट क्या था? यहां पे मेरे पास x नहीं है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंट क्या है? मेरे पास यहां पे x नहीं है, डिफरेंट तो यही है. तो मैंने क्या किया, रूट को दूसरी साइड जाके, स्क्वायर को दूसरी साइड जाके रूट कर लिया. तो कंप्लीट स्क्वायर क्या बोलता है? अगर मैं स्क्वायर को कंप्लीट करूं, वो भी समझेगा क्या होता है, स्क्वायर को किसी टर्म पे कंप्लीट करूं तो फिर तो मुझे स्क्वायर अगली तरफ स्क्वायर रूट ही ले जाना, फिर ज्यादा मेहनत करनी नहीं है. तो उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर. वो कैसे होता है मेरे पास साथ देखेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 6, अंडरस्टूड है? मैं इसको यहां से लिख लिया. अब अगर मेरे पास यहां स्क्वायर होता, स्क्वायर अभी है लेकिन होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता यहां पे, मैं सिंपली उसको रूट माइनस 6 करके आंसर निकाल लेता, बट मेरे पास स्क्वायर नहीं है. अब मैं बोल रहा हूं कि आप इसको इसको किसी ऐसी तरीके से मॉडिफाई करिए, ऐसे मॉडिफाई करिए कि ये होल स्क्वायर में आ जाए, तो उससे क्या होगा, मेरा स्क्वायर हो जाएगा कंप्लीट. सो वंस आई कंप्लीट माय स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, I will just have to transpose it to the right hand side. Square क्या बनेगा right hand side पे? Square root solution हो गया. तो इसको मुझे किसी तरीके से complete करना है. लेकिन आपको पहले chapter का fundamental याद होना चाहिए कि equation is like a scale or like a scales of a weighing machine, weighing balance. तो अगर आप एक side कुछ करेंगे, आपने अगले side भी same effect देना है ताकि equation sustain करे. तो अब आप देखेंगे. मैं इसी को अगर ब्रेक करूं x स्क्वायर माइनस 2, मैंने 2 लिखा, 2 मैंने खुद से लिखा, माइनस अपनी जगह है, इनटू 5 बाय 2 और x, ये x है और ये इनटू है, ठीक है, या इस इनटू और x को कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं इसको कुछ और भी कर सकता हूं, ये. तो मुझे बोले जो मैंने लिखा मैंने बराबर लिखा कि नहीं लिखा, माइनस टू इंटू फाइव बाई टू, ये और कैंसिल किया, वापस 5x ही आ गया. तो मैंने इसी को 2 बाहर लिया, इसको आधा किया, पहले हाफ किया फिर डबल किया, तो मैं वहीं पे पहुंचा, क्योंकि आगे पता चलेगा इज इक्वल टू माइनस 6. क्या मैं ये लिख सकता हूं वापस? आप बोलेंगे हाँ ठीक तो है, बट इससे हुआ क्या, क्या इससे मेरा स्क्वायर कंप्लीट हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ. तो फिर क्या करना चाहिए मुझे, मैं एक बार इसको वापस लिखता हूं. अब देखिए, अब अगर मैं यहां पे खुद से आउट ऑफ माय ओन विल क्या करूं, 5 बाय 2 स्क्वायर यहां से मैं ऐड करूं, ठीक है, तो मुझे यहां से 5 बाय 2 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. अगर मैं यहां से 5 बाय 2 स्क्वायर ऐड करूं तो मुझे यहां से 5 बाय 2 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. मैं सिस्टम की पावर केबल ऑन करता हूं, पावर कॉर्ड ऑन करता हूं, तक आप इस देखिए कि मैंने ये 5 बाय 2 स्क्वायर ऐड क्यों किया, यही चीज मैंने ऐड क्यों की, और अभी तक शायद आप समझ भी गए होंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम सीख रहे हैं. आप ये देखिए यहां तक तो स्प्लिट आप समझ गए होंगे, लेकिन अब आप ये देखिए कि ये मैंने ऐड क्यों किया 5 बाय 2 स्क्वायर दोनों साइड, ठीक है. मैं तब तक सिस्टम की पावर कॉर्ड कनेक्ट करता हूं. वेलकम बैक. तो आई होप कि आपने अभी तक अपने लॉजिक्स लगा लिए होंगे कि यहां पे ये 5 बाय 2 स्क्वायर ऐड करने का पर्पस क्या था. इससे क्या होगा, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया, ठीक है, और वो फॉर्मूला किसकी है, स्क्वायर की फॉर्मूला है. तो कुल मिला के मेरा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड.
देख लीजिए कैसे। मेरे पास एक फॉर्मूला है, दो है रादर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, या आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। इसके बहुत सारे प्रूफ्स है, आप सिंपली इसको एल्जेब्रिकली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने काफी बार क्लास में करवाया हुआ है। या आप एक स्क्वायर ले लीजिए और एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर पे आप चिपका के ए प्लस बी होल स्क्वायर का प्रैक्टिकली देख सकते हैं ये कैसे, और इसके प्रूफ्स अवेलेबल है, आप नेट पे जाके देख लीजिए या सिंपली एल्जेब्रिकली मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे मेरे पास एक और है, क्योंकि अभी मेरे सब मेरे डोमेन से बाहर है, तो अभी उन पर टाइम वेस्ट करना सही चीज नहीं है, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। ये भी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लूं तो वो ए माइनस बी स्क्वायर है। इसको भी आप एल्जेब्रिकली मल्टीप्लाई करके अपने पास देख सकते हैं किसी के बराबर आता है। तो अब अगर मैं देखूं ये मैंने किस फॉर्मूला लाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं एक्स माइनस फाइव बाई टू विच इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव, फाइव बाई टू स्क्वायर। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब शायद आपको समझ आया होगा कि हम कर क्या रहे थे, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर को कंप्लीट किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि मैं सिंपली इस स्क्वायर को इस तरफ ले आ सकता हूं, अब मुझे वो एक्स की झंझट खत्म हो गई और ये वापस इसके बराबर ही हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है 2.5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2, फॉर्मूला का 2, दिस इज 2.5 ए बी, ठीक है, हो गया बराबर। और यहां से मैं सॉल्व करूं 2.5 का स्क्वायर इज 6.25, ठीक है, दिस इज 0.25, अगर मैं इसको सॉल्व करूं सिंपली 0.25, सिंपली देखिए कैसे 2.5 का स्क्वायर 6.25 प्लस माइनस 6.25, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखिए, x माइनस 25 इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.25, अब स्क्वायर उस तरफ क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, सही हो गया। तो 0.25 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 0.5 हो गया, बट यहां पे आपने ध्यान रखना दिस इज प्लस माइनस 5, यहां पे बस आपने ये ध्यान रखना है प्लस माइनस 5 क्यों है, बिकॉज आप ऑलरेडी जानते हैं कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सिमिलरली माइनस 2 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 4, तो इसका मतलब रूट ऑफ 4 किसके बराबर है, 2 हम लिखते हैं लेकिन एक्चुअली इट इज प्लस माइनस 2, ठीक है, यहां से आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो इसीलिए 0.25 भी सिमिलरली माइनस 0.5 इनटू माइनस 0.5 इज इक्वल प्लस 2 प्लस 0.25 एंड सिमिलरली 0.5 स्क्वायर इज इक्वल 0.25। तो अब अगर ये हो गया मेरे पास, तो यहां से तो मैं इजीली इसको कर सकता हूं, मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। तो अब कैसे इसको करूंगा, इधर x माइनस 25 इज इक्वल 0.5 और x माइनस 0.25 इज इक्वल माइनस 0., ठीक है। तो अब अगर पॉजिटिव वाले पे ले तो x इज इक्वल 3 और नेगेटिव वाले पे ले तो x इज इक्वल 2। अगर आपको याद होगा तो हमने ऑलरेडी ही अराइव किया था, ये सॉल्यूशन अराइव किया था, ठीक है, ठीक है, हमने ऑलरेडी 2 और 3 सॉल्यूशन अराइव किया था। तो इसको बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। चौथा पार्ट में नहीं करवाऊंगा। तीसरा तरीका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला, और ये बहुत जरूरी है, ये आपको सीखनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, रट्टा मारने के बजाय पहले इसको सीख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आल्सो फॉलोज फ्रॉम लॉजिक। क्या लॉजिक है कि अगर मैं ये चीज इस इक्वेशन के साथ कर सकता हूं, सॉरी, अगर मैं ये चीज इस इक्वेशन के साथ कर सकता हूं, इस इक्वेशन के साथ, तो क्या मैं ये चीज हर किसी इक्वेशन के साथ नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेरी इक्वेशन कितनी भी मुश्किल, कितनी भी आसान, कितनी भी डिफिकल्ट, रैशनल, इरैशनल, कुछ भी हो, अगर मैं ये चीज कंप्लीट स्क्वायर यहां कर सकता हूं, तो मैं हर इक्वेशन में क्यों नहीं कर सकता, तो मैं अपनी हर इक्वेशन में कंप्लीट स्क्वायर करूंगा। तो अगर मैं अपनी हर इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल के रखूं और हर इक्वेशन में वही यूज करूं, ठीक है। मेरे साथ समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर यही चीज मुझे हर बार करनी है तो मैं एक बार ही क्यों नहीं इसका फॉर्मूला बना के रखूं। देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, अब यहाँ पे एक डिफरेंस है कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले समझिए क्या होता है, कि इक्वेशन अगर अपनी सबसे मुश्किल फॉर्म में आएगी तो ये होगी क्वाड्रेटिक,
ठीक है, मतलब क्या है इसका कि मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस हाईएस्ट पावर टू है, लेकिन ये अपनी सबसे हार्डेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर इसको कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, वन एक्स स्क्वायर माइनस जीरो या प्लस जीरो एक्स माइनस फोर इज इक्वल जीरो, तो ये वापस इस इक्वेशन के फॉर्म में, वापस इस फॉर्म में आ गई। कोई और इक्वेशन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल जीरो, इज ऑलरेडी इन दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब मैं बोलूं क्या x प्लस फोर, मैं बोलूं क्या x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो को मैं नहीं लिख सकता, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो क्या ये क्वेश्चन मेरी क्वाड्रेटिक हो गई? नहीं। अगर ये है तो फिर मैं जीरो एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, क्यूबिक हो गई। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई फन नहीं है इसका, बिकॉज हम डील करते हैं हाइएस्ट ऑर्डर के साथ। एक्स प्लस फोर का हाइएस्ट ऑर्डर क्या है, वन, तो इट इज लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन मेरी जो फाइनल फॉर्म में होगी वो इस फॉर्म में आएगी। तो इक्वेशन अगर इस फॉर्म में ही आनी है, अगर इक्वेशन मेरी इस फॉर्म में ही आनी है फाइनली, ठीक है, अगर मेरी इक्वेशन फाइनली इसी फॉर्म में आनी है, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन में ही फॉर्मूला डिराइव करूं और अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के रखूं। ठीक है, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन किया, आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं लगाया, जानबूझ के नहीं लगाया, बिकॉज आपको मैं पहले समझाना चाहता था। अब हम टैकल करेंगे कि अगर हमारे पास आगे कोएफिशिएंट भी हो, कोएफिशिएंट हो, तब भी हम सेम चीज यूज कर सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हम सेम ही अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन, तब हम सेम चीज यूज करेंगे, बिकॉज फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन है वो होगा x इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी, और फाइनली हम x माइनस ए एक्स माइनस बी पे ही पहुंचेंगे। सो इन द नटशेल, फाइनल फॉर्मेट में या फाइनल फॉर्म में we have to strip this x of x square, we have to strip this x square of its coefficient in its final form, in every case we have to do that, because hamare paas kya hota hai x minus a x minus b, theek hai, jab root mere paas x a x b hai to x minus a x minus b ho gaya, to finally this will reduce to x square, to kuch bhi ho finally I have to reduce this a to 1, theek hai, to isliye maine pehle hi wahi cheez ki, theek hai। वापस आते हैं हम कि तीसरा जो है फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत जरूरी चीज है और क्रैमिंग के बगैर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माई जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब मैं स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूं दोनों तरफ, स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूं, जब मैं स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूं तो मैं इसी में स्क्वायर कंप्लीट करता हूं, लेकिन मैंने आपसे पहले ही क्या कहा कि इन एनी केस आई हैव टू स्ट्रिप दिस ए या दिस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज जब तक ए रहेगा मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, मैं बोल रहा हूं थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल सपोज 42, सपोज अब इसको सॉल्व करके देखिए, बहुत सिंपल इक्वेशन है, आपको आएगा, आप बोलेंगे तो इजी है, एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल 42/3 14 एंड x इज इक्वल टू रूट 14 या प्लस माइनस आपको पता ही है, बट आप मुझे बताइए आपने पहले क्या किया, आपने पहले इस तीन को यहां लिया ना डिवीजन में, क्या आप ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिकली, आप बोलेंगे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 42 व्हिच इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 42 बाय, क्या बोलेंगे, मतलब मैं कह रहा हूं कि आप इसको पूरा ऐसे कर सकते हैं 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 42 व्हिच मींस 3x इज इक्वल टू रूट 42, नहीं, इसका स्क्वायर नहीं है। तो पहला स्टेप यही है कि आप इसको स्ट्रिप ऑफ करो, 42/3 करो, उसके बाद एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर रूट ले जाओ। तो यही चीज हम यहां भी बोल रहे हैं कि अगर आपने जर्नली स्क्वायर कंप्लीट करना है जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इक्वेशन क्या जर्नल फॉर्म क्या है, मैं बार बार लिखता हूं रिपीट हो जाए, ये मेरे पास फॉर्म है, जर्नल फॉर्म तो हमेशा यही रहेगी, लेकिन इस ए को मुझे हमेशा स्ट्रिप ऑफ करना होता है, तो मैं क्या करूंगा बताइए, अगर मुझे ए को यहां से हटाना है बाकी जो मर्जी इक्वेशन में हो जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं ए से इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, दोनों साइड ए से डिवाइड करूंगा, अज्यूमिंग कि ए इज अ नॉन जीरो नंबर, एंड फैक्चुअली ए इज अ नॉन जीरो नंबर, क्यों, बिकॉज इफ ए इज जीरो, बिकॉज इफ ए इज जीरो देन इक्वेशन रिड्यूसेस टू लीनियर इक्वेशन, इफ ए इज जीरो देन इक्वेशन रिड्यूसेस टू लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब ए मेरे पास हमेशा जीरो, में ए से डिवाइड कर सकता हूं। अब डिवाइड करके देखिए, मैं इसको थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के लिखूंगा, ऑल दो इट्स नॉट नेसेसरली नीडेड, ठीक है, अंडरस्टूड। इससे क्या हुआ, इससे मैंने
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हटा लिया ताकि मैं स्क्वायर को कंप्लीट कर सकूं. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल जीरो. ठीक है, तो मैं अपना पहला स्टेप मैंने पूरा कर लिया. आई हैव स्ट्रिप्ड एक्स स्क्वायर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट ताकि मैं स्क्वायर को कंप्लीट करूं. नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसानी, तो आप समझ जाएंगे, जैसे मैंने अभी किया था. इस कांस्टेंट को इस तरफ ले जाता हूं बिकॉज मुझे इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है. कांस्टेंट का कोई काम नहीं है इस साइड. अब यहां से आप मुझे खुद बोलेंगे अपने साथ सोच के कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपने साथ वो सोचेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. मुझे स्क्वायर को कंप्लीट करना है. इससे पहले ही मैंने दिखाया कैसे मैंने किया था. ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू, मैंने खुद से लाया, टू था नहीं तो नीचे टू खुद से लाना पड़ेगा. ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा. कुछ अगर आप यहां पे समझ पाए तो आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं. मैंने इसी चीज को रिफ्रेज किया. क्यों रिफ्रेज किया? टू डिवाइडेड बाई टू बी ए एक्स इक्वलेंट है. तो अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि एक फॉर्मूला में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूला का टू और एक्स एक्स मेरे पास ए है बिकॉज दिस एक्स स्क्वायर जो भी हमने किया था याद होगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. यहाँ पे ए मेरे पास क्या हो गया एक्स, तो एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर. टू ए बी क्या हो गया टू एक्स, तो उसका मतलब मेरे पास बी क्या हो गया बी अपॉन टू ए. ठीक है, टू फॉर्मूला का एक्स ए तो टू अपॉन बी ए. ऐसे आपको समझ आएगा अगर मैं इसमें इधर लिखूं प्लस बी अपॉन टू ए स्क्वायर. ठीक है, ये तो इसके इक्विवेलेंट है क्योंकि ये मैंने खुद लिखा है. तो इक्वेशन का फंडामेंटल क्या है, मुझे इसको इधर भी करना पड़ेगा. या तो मैं पहले ऐसे आप कंफ्यूज ना हो, पहले मैं पूरा ही लिखता हूं जो मैंने किया वो सारा लिखता हूं. ठीक है सर, ठीक है यहां तक ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. अब शायद आप खुद आगे से इसको कर पाएंगे. तो ये फॉर्मूला जो मेरा पर्पस है वो पूरा हुआ. ठीक है, ये पूरा हो गया x प्लस बी स्क्वायर. अब यहां से देखिए तो ये हो गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए. ठीक है, सी अपॉन ए. ये हो गया इज इक्वल ठीक है. तो ये ए ऑलरेडी था, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा 4 ए सी. जब इसको ये मैंने क्यों किया यहां पे देख लीजिए c by a is equal to 4 a. ठीक है, 4 a और c. नीचे मेरे पास a था ही, इसको भी मैंने 4 a जोड़ लिया. अब आपको ज्यादा बेटर समझ आया होगा, 4 a c divided by 4 a square. फिर मैंने इसको आगे जाके यहां तक किया. ठीक है, अब यहां तक ओके हो गया. तो यहां से मेरे पास यही है. ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, ये हो गया इज इक्वल टू दिस. ठीक है, अब आपको पता है कि अब ये स्क्वायर जब पूरा हो गया तो उस तरफ जा सकता है बट प्लस माइनस करके जाएगा एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, क्या इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं? प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट 4a स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो हो ही सकता है. 4 का स्क्वायर रूट 2, a का स्क्वायर रूट a, तो ये हो गया 2a. ठीक है, मेरा इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया. ये मेरा इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया. और अब अगर यहां से देखे तो ये मेरे पास प्लस में है, इसको मैं माइनस में डाल सकता हूँ. एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल माइनस बी अपॉन टू ए. ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं मेरी फॉर्मूला बन गई, जो कि मुझे पता है फाइनली आप लोग याद ही रखने वाले हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको समझिए और आगे इसको समझ के करें. तो क्या फॉर्मूला आ गई, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस
root of b square minus 4ac divided by 2a. This has to be kept in mind. ये मेरी formula आ गई. Minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Minus b plus minus root of b square divided by 4, b square minus 4ac divided by 2a. ठीक है. Done. Formula हो गई. उसका डेरिवेशन भी हो गया. बट किया क्या हमने? हमने एक जनरल क्वाड इक्वेशन ली, उस पे स्क्वायर को कंप्लीट किया और बात खत्म हो गई. ठीक है, आपने मेमोराइज कर लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा. सो लेट अस सी, जो हम इक्वेशन तब से करते आ रहे हैं फर्स्ट प्लेस से, कौन सी थी वो? एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी. हम उसको वैसे कर सकते हैं और फिर मैं आऊंगा अपना कोएफिशिएंट वाले ए वाले पार्ट पे. मेरे क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये था मेरा इक्वेशन. अब मैंने इसमें क्या कहा कि अब आप इसमें कोई फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट नहीं करेंगे, हमने जनरल काम किया हुआ उसको यूज करेंगे. व्हाट इज ए इन दिस इक्वेशन? वन. व्हाट इज बी इन दिस इक्वेशन? माइनस फाइव. ठीक है, माइनस फाइव. एंड व्हाट इज सी? सिक्स. अब आप लिखेंगे इक्वेशन की सिंपली फॉर्मूला. माइनस बी, पहले लिख लेता हूं बिकॉज आपके लिए पहली बार है तो शायद ठीक है. सो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर जो ऑलरेडी फाइव स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड डिवाइडेड बाय टू ए. ठीक है, कैसे हम इसको लिखते हैं? दिस इज फाइव, दिस इज प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन टू. दिस इज फाइव प्लस माइनस वन अपॉन टू. कैसे करेंगे? 5 plus 1 upon 2 is equal 3. 5 minus 1 upon 2 is equal 2. ठीक है, तो वापस हम वही पहुंचे, वही चीज हमने की. तो हमने किया क्या? हमने एक जनरल इक्वेशन पे स्क्वायर को कंप्लीट करके रखा था, वो फॉर्मूला यूज की, कि मेरे पास सॉल्यूशन आ गया. अब इसका क्या फायदा है? इसका कि ये इक्वेशन जो है, ऐसी इक्वेशन जो है, आप हमेशा किसी भी इक्वेशन पे आप ऐसे तरीके को यूज कर सकते, बहुत बार आपने यूज करना है. ठीक है, अब इसमें एक और बात करूंगा और फिर आगे बढ़ता हूं. ठीक है, ये हो गया. बट अभी मैंने क्या किया, अभी ध्यान दिया होगा कि अभी अगर मेरे पास सामने x के और भी कुछ होता वन के अलावा, तो मैं उसको यूज कर सकता, मेरे पास a b और c की वैल्यूज इस इक्वेशन में आती है, तो मैं कर सकता हूं, मुझे कोई इश्यू इसमें है नहीं कि x के आगे क्या है. ठीक है, चलिए पहले मैं इसी को थोड़ा सा और ध्यान से करता हूँ, फिर मैं आता हूँ अपना उस तरफ कि अगर x के आगे कुछ होगा हम फैक्टराइज कैसे करें. फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हैं. सॉल्यूशन क्या है मेरा? रूट क्या है मेरा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए. इक्वेशन क्या है मेरे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. इस इक्वेशन के ये दो रूट्स है. ठीक है, मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ. अब इस इक्वेशन में सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो है ये. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये बहुत जरूरी से याद रखना है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस है. डिस्क्रिमिनेंट, इस पार्ट को हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. क्यों डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं? बिकॉज अगर हमें फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पता हो क्या वैल्यू है इसकी, तो ये हमें खुद से बताएगा, ये हमें देख के ही बताएगा, ये हमें देख के बताएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा. सपोज आप अभी शायद इसको नहीं समझोगे, सपोज मेरे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में कैलकुलेट किया, ये निकला मुझे माइनस ट्वेंटी वन. बताइए क्या माइनस ट्वेंटी वन का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है रियल नंबर सिस्टम में? माइनस ट्वेंटी वन का स्क्वायर रूट का क्या मतलब? दो ऐसे नंबर दीजिए, दो ऐसे नंबर दे दीजिए जिनका मल्टीपल माइनस ट्वेंटी वन है. इसे इजी कर लेता हूं, माइनस ट्वेंटी फाइव. क्या बोल सकते हैं माइनस ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट मेरे पास बराबर है फाइव के? नहीं, फाइव स्क्वायर इक्वल ट्वेंटी फाइव. फाइव ठीक है, माइनस फाइव स्क्वायर इक्वल ट्वेंटी फाइव. तो इसका रूट कहाँ होता है फिर? इसका रूट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में. ठीक है, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होता है? 5i. खैर वो हमारे स्कोप से भी बाहर है, मुझे वहां जाना नहीं है. इतना मैं आपको कह सकता हूं कि इसका जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, वो इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी जो है नहीं, हमने खुद इमेजिन किया हुआ, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है.
तो इसका मतलब अगर इसका वैल्यू ही नहीं आया तो इस पूरी प्रॉब्लम का वैल्यू वही आएगा, इस पूरी प्रॉब्लम का भी वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप यहां पे आप ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला में इसको, ठीक है, कुछ भी इसमें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझने की बात है कि मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन मेरे पास है, इक्वेशन मेरे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो, रूट मैंने कहा इसके है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, ठीक है, मैंने कहा कि रूट रूट मैंने कहा है इसमें माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू है। तो अब मैं कह रहा हूं कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये मुझे क्या बताएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ पॉजिटिव, विच मीन्स ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो इसका मतलब रूट मेरे पास क्या होंगे, रूट मेरे पास होंगे रियल रूट्स, रियल समझते, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में लाई करते हैं, जो कि इमेजिनरी नहीं है। तो रियल में भी अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स मेरे क्या होंगे, रैशनल। यानी सपोज मेरा मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर सी 25 के इक्विवेलेंट आ गया, सपोज 25 के इक्विवेलेंट आ गया, सपोज, तो इसका वैल्यू क्या हो गई, पांच। तो माइनस बी मुझे पता है माइनस टू प्लस माइनस यहाँ पे टू फोर कुछ होगा, तो मेरे ये क्या फ्रैक्शंस आ जाएंगे, फ्रैक्शंस किस नंबर सिस्टम का पार्ट है, रैशनल नंबर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ ही नहीं, ये बी माइनस फोर ए सी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मैं ही कह रहा हूं कुछ इसमें ऐसे इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, खुद समझने की बात है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल, इरेशनल रूट होंगे, और इरेशनल नंबर भी मेरे पास रियल नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर का इरेशनल होने का मतलब ये नहीं कि वो रियल नहीं है, वो नंबर है, सपोज 2.141414144 मेरे पास इरेशनल नंबर है, रूट टू मेरे पास इरेशनल नंबर है, लेकिन रियल है ना, दे एग्जिस्ट, बिकॉज रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू, बट रूट ऑफ 25 डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर सिस्टम, रूट ऑफ माइनस 25 आई शुड से, ठीक है, तो मेरे पास इरेशनल रूट होगा, वो डिटरमाइन क्या करेगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है यहां तक, ठीक है। अब दो कंडीशन और मैं रेड में लिखता हूं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन जीरो, तो रूट मेरे पास क्या होंगे, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स, मेरे पास रियल नंबर सिस्टम इनके कोई रूट्स फिर है ही नहीं, बिकॉज जब मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट ही नहीं निकाल पाऊंगा। और एक लास्ट बात, अगर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो, पूरा जीरो के बराबर हो गया, ना इधर हुआ ना उधर हुआ, तो फिर क्या हुआ, फिर मेरी इक्वेशन की फॉर्मूला ही रिड्यूस हो जाएगी। कैसे रिड्यूस हो जाएगी, मेरे पास फिर मेरे पास बी स्क्वायर, यह ना प्लस माइनस बी, ये जो प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए है, ये वाला पार्ट तो हट ही जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा, मेरे पास रूट क्या बचेगा, माइनस बी बाई टू ए प्लस जीरो, माइनस बी बाई टू ए माइनस जीरो, मेरे पास रूट्स हो जाएंगे इक्वल, विच मींस माइनस बी बाई टू ए मेरा इक्वल, दो रूट निकलेंगे दोनों इक्वल निकलेंगे। आप बोलोगे कैसे हो सकता है दोनों इक्वल रूट निकल सकते हैं, आप बोलोगे कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बोलूंगा ये हो सकता है, मैं कहा कि इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, इक्वल का मतलब क्या है, सिंपल है, आप समझने की बात है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल जीरो, विच मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल जीरो, सैंपल ट्रबल। अब इस इक्वेशन में देखिए दो रूट्स है, लेकिन दोनों टू ही है, यानी अगर आप इसमें टू डालें तभी सेटिस्फाई होगा, टू और टू ही है इसमें, और इसको आप सब फैक्टराइज भी करें या इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, सपोज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालने की कोशिश करें, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो आपका जीरो आ जाएगा। अब सो कोई भी फॉर्मूला से करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें, अब सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें, आप इसको जो मर्जी फॉर्मूला से करें आपका, लेकिन इसमें रूट टू ही आएगा, बिकॉज मैंने कहां से बनाया है, एक्स माइनस टू से बनाया हुआ,
ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट पे बहुत कुछ डिटरमाइन करता है, मुझे पहले ही बताएगा, इस चीज को नोट कीजिए अच्छे से कि इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। अगर इक्वल हुआ तो रूट होगा माइनस बी बाय टू ए ओनली, और डिस्क्रिमिनेंट के बराबर हो जाएगा जीरो के इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब ये क्वाड्रेटिक में कोई बोलते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल सी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, ये आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, अगर तो सुना है कहीं पढ़ा, ये बोलते हैं। अब ये क्या चीज है और ये कहां से आया, ये क्या चीज है और ये कहां से आया, इसके दो प्रूफ्स है। एक प्रूफ सिंपल सा और आसान सा समझने वाला है कि अगर मैं ने दो रूट्स निकाले, अभी मैंने अभी दो रूट्स निकाले, ठीक है, कौन सा निकाला, माइनस बी, यह है प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और दूसरा क्या है, दूसरा है माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अभी तो मैंने निकाला ये। अब इनका आप सम करके देखिए, सिंपली सम देखिए, सम में ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू ए, तो माइनस बी बाई ए हो गया। सिमिलर इनको अगर मल्टीप्लाई करूं तब मैं सी बाई पे पहुंचूंगा, एक बार देखिए, अगर इनको मल्टीप्लाई करना चाहूं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस बी माइनस, अगर देखिए बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, नीचे फोर ए स्क्वायर। और तो इससे ज्यादा मैं एक और तरीका प्रेफर करता हूं, मैं आपको भी वो दिखाऊंगा, खैर ये भी ठीक है, आपके सिलेबस में है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, का मतलब बी स्क्वायर ही होता है, माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वायर, ये निकल जाएगा, फोर निकल जाएगा, फोर निकल जाएगा, एक एक ए निकल जाएगा, इज इक्वल सी बाई ए। तो इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड कि हमने रूट्स निकाले और हमने इस पे ऑपरेशन करके देखा कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाय ए, देखा हमने, ठीक है, ये आपने मैथमेटिकली देखा। अब इसको लॉजिकली देख लीजिए, आपको अगर पहले वाला याद होगा, मैंने आपको क्या बताया था, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी जब हम लेते हैं, मैंने एक्स के कोएफिशिएंट स्ट्रिप ऑफ किए तो क्या मेरे पास निकला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मेरी कोई भी इक्वेशन अगर आप देखें तो वो ऐसे ही बनती है, यहां मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और यहां मेरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि ऐसे मैंने इक्वेशन बनाई हुई है और एक्स का मैंने कोएफिशिएंट वन किया हुआ है। तो अब अगर मैं जर्नल इक्वेशन लू, इसमें सेम चीज करूं कि मैं एक्स का कोएफिशिएंट स्ट्रिप ऑफ करूं, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अभी हमने किया था, ठीक है, ये तो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। अब शायद आप ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको लिख देता हूं माइनस माइनस बी बाई एक्स, अब शायद आप उस चीज तक पहुंच गए होंगे, क्या मैंने कहा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, दिस इज सम ऑफ रूट्स एंड दिस मस्ट बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। इसीलिए अब हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्ट्रिप ऑफ क्यों करना, रहने देते हैं, हम फॉर्मूला को ही मॉडिफाई कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास आ गई, सपोज मैं आपको बोलूं एक इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल जीरो, मुझे इसके रूट्स नहीं पता, मुझे इसके रूट्स नहीं पता, लेकिन लॉजिक बोलता है मुझे पता है ये कहां से बनी होगी, ठीक है, या तो मैं इसको डिवाइड करूं पहले तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल जीरो, मुझे पता है ये सम ऑफ रूट्स है, तो मैं बोलूंगा माइनस फोर बाई थ्री इज इक्वल सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू बाई थ्री। लेकिन ए करने के बजाय मैं बोलता हूं यार इतना रहने देते हैं, हमने तो ऑलरेडी फॉर्मूला करी हुई है, इतना हम नहीं करते, हम क्या करेंगे,
हर बार अब हम x का कोफिशिएंट स्ट्रिप ऑफ नहीं करेंगे, तो इससे बेटर क्या है कि हम क्या करें, हम ऐसे करें कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाई a इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाई a इज इक्वल टू 2 बाई 3, बात वही हो गई। बट एक्चुअल में क्या करते हैं, हम पहले इसको स्ट्रिप ऑफ करके फिर हमारे पास जो जर्नल हमने पढ़ा था, ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अगर आपको याद होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में यहां तक हम पहुंचते थे, ठीक है, हो गई ये बात। अब एक लास्ट बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करके समराइज करता हूं। मैंने कहा था फैक्टराइजेशन कैसे हो गया, आगे मेरे पास टर्म है, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होगा, ठीक है, तो मैंने इक्वेशन लिखी हुई थी अपने पास, हाँ जी ये लिखा हुआ था, मैंने लिखा था 2x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल 0। आपको पता है यहां पे आप सिंपली यूज कर सकते हैं माइनस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 14² माइनस 4a और c मींस 192 डिवाइडेड बाय 2a, 14 प्लस माइनस हो गया 4, 2 बाय 4, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 16 by 4 which is equal to 4, और ये हो गया मेरे पास 12 upon 4 दूसरा which is equal to 3, तो 4 और 3 इसका सॉल्यूशन है। खैर ये तो एक तरीका हमारे पास हो गया फॉर्मूला वाला, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं यार इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइजेशन का कांसेप्ट क्या था हमारे पास आपको याद होगा, आप बोलोगे या तो मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, कांसेप्ट था कि मुझे x को पहले स्ट्रिप ऑफ करना है ऑफ इट्स कोएफिशिएंट, और फिर मुझे इसको स्प्लिट करना है ऐसे, इसको स्प्लिट करना है कि इसका सम इसके इक्विवेलेंट आ जाए, मल्टीप्लेस के इक्विवेलेंट आ जाए, याद होगा मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि उसका सम तो मिडिल टर्म के बराबर ही आ जाए लेकिन प्रोडक्ट c के इक्विवेलेंट आ जाए, ठीक है, बट यहां पे बोलूंगा x को स्ट्रिक ऑफ नहीं करते, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 24 into 2 is equal to 48, हम यहां पे c को 48 मान के चलेंगे, तो जो 2 का इफेक्ट है हमने वो 24 को ऑलरेडी दे दिया, अब आप प्रिज्यूम करो कि 24 नहीं है 48 है, ठीक है, और बाकी चीजें वही करो 48, अब आप देखिए कैसे स्प्लिट होगा, 6 × 8 48 हो जाता है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 2x² माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इज इक्वल 0, अब आप मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि अब मैंने क्या किया 24 48 है, तो मैं 2 का इफेक्ट ऑलरेडी ले लिया, खाली एक चीज बची थी समझाने वाली, तो यहां पे क्या आएगा 2x x माइनस 3, यहाँ पे ये देखिए 2 आगे का चल रहा है इसके, ये माइनस 8 माइनस 8x प्लस 24 2x माइनस 8 और x माइनस 3 मींस x इज इधर 8 बाय 2 इज इक्वल टू 4 और x इज 3, हम वहीं पे पहुंचे, तो ये मैंने एक लास्ट चीज आपको समझा दी कि अगर x स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट हो तो जरूरी नहीं है कि आप उसको स्ट्रिप करें, स्ट्रिप कर सकते हैं आप इसको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन करिए, बाकी अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप ये फॉर्मूला सीधे यूज कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको जो पढ़ा था उसको समराइज करता हूं, जो पढ़ा था उसको समराइज करता हूं, देखिए कैसे समराइज करता हूं, हमने क्या पढ़ा, जर्नल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, और इसको हमें तो फैक्टराइज कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हैं या फॉर्मूला कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, सम ऑफ रूट्स क्या है माइनस बी बाय a, ये सारा हमने पढ़ा प्रूव भी किया सीखा भी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है c बाय a, रूट्स इज इक्वल यानी जो रूट्स निकलेंगे दो उनका प्रोडक्ट आपस में करेंगे तो c बाय a होगा, हमने पढ़ा ऑलरेडी, और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्वेश्चन की जर्नल फॉर्म ये भी होती है अगर स्ट्रिप ऑफ करें, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ये बहुत जरूरी है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमने पढ़ा, ये भी यहां तक हमने पढ़ा, इसके अलावा हमने पढ़ा बट यहां पे क्वेश्चन हमने हटा लिया, स्ट्रिप ऑफ करके बोल रहा हूं, अगर फैक्टराइज करना हो और मेरे पास a दिया हो तो मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टराइज करना चाहिए, ठीक है, a का इफेक्ट लेने के लिए। इसके अलावा हमने पढ़ा कि b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है
तो इसका नेचर हमें बताएगा, इसका नेचर हमें बताएगा कि रूट्स इक्वल है, रियल है, रैशनल है, इरेशनल है या इमेजिनरी है, ठीक है। बिकॉज ये रूट के अंदर है तो यही बताएगा हमें कि बाहर बाकी ऑपरेशंस क्या होंगे। कुल मिला के इतना सारा क्वाड्रेटिक वाला पार्ट जो मैं यहाँ पे समराइज किया यही है, और मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। ये चीज बहुत जरूरी रखने वाली है कि जब हम x square minus something product of roots, यहाँ पे हम x को strip off करते हैं। जब हम ये वाली फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे हमने strip off किया हुआ है इसको, ठीक है। और अगर हम strip off नहीं करना चाहते तो या तो ये वाला कर लीजिए या तो ये वाला कर लीजिए, ठीक है। यहां तक हमारा ये डिस्कशन सारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे चाहे तो एक ब्रेक ले और कुछ टाइम के बाद या कुछ सेशंस के या कुछ घंटों के बाद आप नेक्स्ट क्लास यहाँ से देखें, बट मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिदम और कंटिन्यूएशन और क्वेश्चंस उसके साथ ही हो जाएंगे यहाँ पे। इन केस आप चाहते तो अपना एक बार ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो आइए, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब लास्ट सेशन को बड़े ध्यान से देखा होगा, इसको अच्छे से समझा होगा अपने पास, क्योंकि सारा फंडामेंटल्स हमने उसमें कवर किया है। अब बारी सिर्फ क्वेश्चंस की है, और जो मुझे बोलना था वो मैंने सारी चीजें ऑलरेडी बोल दी, सम ऑफ प्रोटोकॉल्स मैंने सारा बोल दिया। एक लास्ट चीज जो नहीं बोली, और खैर वो तो अंडरस्टूड है कि अगर इफ रूट्स आर इरेशनल, अगर रूट्स इरेशनल है, उस पर कोई ऑपरेशन होगा ही नहीं, देन दे अकर इन पेयर्स, वो क्वाइट लॉजिकल है, ये बताने की जरूरत नहीं थी। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड टू ए, है ना। सपोज मुझे कहीं निकला माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस रूट ऑफ फाइव, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू, तो ये हो गया थ्री प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैं रूट फाइव को सॉल्व नहीं कर सकता, इसको रैशनल नंबर में नहीं ला सकता, तो मेरे जो रूट्स होंगे वो पेयर में होंगे, मतलब थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू और दूसरा होगा थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू। लेकिन अगर ये रैशनल होगा, मैं बताया था, तो तब क्या होता है, थ्री प्लस माइनस टू बाई टू तब पेयर में नहीं होते, तब मैं थ्री प्लस टू भी कर सकता हूँ, थ्री माइनस टू भी अलग से कर सकता हूँ। लेकिन इरेशनल के केस में दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स, थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू, थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू को कंजुगेट पेयर्स भी बोलते हैं। खैर इतना आपने सीखने की जरूरत नहीं, दे ऑकर इन पेयर्स, उनका पेयर होगा। तो अगर सिंपली अगर एक आपको होगा टू प्लस रूट टेन सपोज, ठीक है, एक होगा सपोज आपका रूट, तो आप बोलेंगे दूसरा टू माइनस रूट टेन होगा, बिकॉज रूट टेन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको लॉजिकली पता है फॉर्मूला में ये है, ठीक है। तो चलिए इतना डिस्कशन के साथ हम देखते हैं कि हम बुक में हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है इसमें, हम वो देखते हैं। ये मैं बुक ऑलरेडी यहाँ पे लाया हूं, आइए शुरू करते हैं। अब जो पार्ट है वो हम बुक से शुरू करेंगे। ये देखिए, पहला मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल जीरो, इसको आपने सॉल्व करना है, तो ठीक है। इधर आप इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो फैक्टराइज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल जीरो, क्योंकि एक्स के आगे कुछ नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट इक्वेशन हो गई। तो आप इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि आपका सिक्स आ जाए, माइनस टू ऐसे दिखाया हुआ है, तो आपका एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल थ्री आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी एक चीज बताने की जरूरत तो है नहीं, एग्जाम में आपने सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, ऑप्शन पुट करके करना है, लेकिन फॉर्मूला ये सबको पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली फॉर्मूला पे ही आएंगे, या तो फॉर्मूला से करेंगे। इस क्वेश्चन मुझे ए और बी बता पाएंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से करना चाहूं, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू, तो आप लिखेंगे हियर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस फाइव, बिकॉज हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो माइनस है वो फॉर्मूला में है,
बट जर्नल फॉर्म हमारी ये है तो मैं b इज इक्वल माइनस फाइव लिखूंगा एंड c इज इक्वल सिक्स. फिर आप क्या लिखेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए. वो इसने सॉल्व किया हुआ है तो मैंने भी सॉल्व करके दिखाया था. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते. एग्जामिन द रूट्स ऑफ इक्वेशन. अब यहाँ पे इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए नहीं बोल रहा, गौर से देखिए, ये बोल रहा कि आप रूट्स को एग्जामिन करो. अब देखो कि रूट्स का नेचर क्या होगा. तो मैंने बताया रूट्स का नेचर किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे. तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. पहले केस में देख लीजिए, बी इज इक्वल टू माइनस एट, एट स्क्वायर सिक्सटी फोर माइनस फोर ए इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू सिक्सटीन, सिक्सटी फोर इज इक्वल जीरो. तो मेरे पास पहले केस में डिस्क्रिमिनेंट जीरो है. इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल, ऑब्वियसली रियल होंगे एंड इक्वल होंगे. क्या आप रूट्स बता पाएंगे, माइनस बी डिवाइड बाई टू ए, बाकी पार्ट तो हट गया. अगर मैं देखना चाहूँ उसका रूट भी मैं निकाल सकता हूँ, वो हो गया एट डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल फोर. इसका रूट जो है फोर और फोर होगा. अगर हम वैसे क्वेश्चन मांग नहीं रहा, मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ बिकॉज बाकी फॉर्मूला का पार्ट हट जाएगा बिकॉज मेरा डिस्क्रिमिनेंट ही जीरो हो गया. दूसरे पार्ट में देखिए क्या खुद करना चाहते हैं, ए इज इक्वल थ्री बी माइनस एट सी इज इक्वल फोर. तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए और सी 48, 64 माइनस 48 किसके बराबर होता है 16. अब 16 मुझे पता है 16 मेरे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. तो रूट्स एक तो रियल होंगे, ठीक है, और रैशनल होंगे बिकॉज ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया. ठीक है, रियल एंड रैशनल. रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, ऑफ कोर्स अनइक्वल, वो तो पता ही है. तीसरे केस में क्या बोल रहा है, 5x square minus 4x plus 2. अब खुद करेंगे आगे, b minus 4ac करना है, minus 24 निकल रहा है, तो आपका रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे बिकॉज वो minus 24 का स्क्वायर रूट है नहीं, रियल नंबर सिस्टम है तो इमेजिनरी होंगे. और चौथे केस में ग्रेटर देन जीरो है, रियल एंड अनइक्वल बिकॉज जो डिस्क्रिमिनेंट अंदर आपको आएगा फ्रैक्शन के अंदर वो क्या बनाया है इसने 60. अब 60 आपको परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, पता है आपको 7.745966 समथिंग है. तो आपके क्या होंगे रूट्स, रियल एंड इरेशनल, इरेशनल होंगे. ठीक है, और आपको ही पता है वो कंजुगेट पेयर्स में रूट्स होंगे, चाहे तो रूट्स निकाल भी सकते हैं. तो एज अ होमवर्क आप रूट्स भी निकाल लीजिएगा. ठीक है, आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, सारा पढ़ाया हुआ है, होगी भी तो आप हमें बताइएगा. अब यहां से आप देखिए जो टिपिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं वो शुरू हो जाते हैं, यहां से ध्यान रखेंगे. इलस्ट्रेशन वन के दो तरीके हैं करने के, पहले देख लेते हैं.